नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एड्स विभाग के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मांगा पक्के कर्मचारियों का दर्जा। कॉलेजेस की कक्षाओं के समय में हुआ बदलाव। बीजेपी नेता ठाकुर विक्रम सिंह पहुंचे पुल निर्माण धरने पर। 3 महीनों से गर्मी झेल रहे लोगों को मिली बारिश से राहत। अब खबरें विस्तार से। एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे हड़ताल व धरना प्रदर्शन के बाद अब एड्स विभाग के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारी नेता सुरेंद्र ने बताया कि वे 25 वर्षों से अस्पताल में कार्यरत हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को आज तक सरकार के द्वारा नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने एड्स विभाग से संबंधित कर्मचारियों को नियमित करने व वेतन बढ़ाने की मांग की। कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल व धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारी पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं एड्स विभाग के कर्मचारियों ने भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। एड्स विभाग के कर्मचारी सुरेंद्र काद्यान ने बताया कि हम नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारी हैं। पिछले 20 से 25 वर्षों से सरकारी अस्पतालों में कार्यरत हैं। सभी कर्मचारी उच्च योग्यता रखते हुए एचआईवी या एड्स के मरीजों की जागरूकता व जांच से लेकर उनके पूर्ण इलाज की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमारी मांगों को न मानकर हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में केवल एड्स विभाग को छोड़कर सभी को सभी प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि वो इन कर्मचारियों को नियमित करें। आज के धरने को लेकर के जी हमारी जो मांगे हैं खुद से हरियाणा सरकार से, हम नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारी हैं और पहले से जब विभागीय जो था ना वो सारा एक ही था, एनआरएचएम था, और फिर अलग करके ने ये एड्स कंट्रोल सोसाइटी का एक नया डिपार्टमेंट बना दिया। जो टोटल हरियाणा में 550 के लगभग कर्मचारी हम हैं और भिवानी में 22 कर्मचारी हैं, तो एक छोटी सी यूनिट है और हमारे हरियाणा सरकार का कार्य करते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से हमें कोई भी प्रोत्साहन नहीं है, ना कोई राशि है, ना कोई सहायता है, ना हमारी कोई सिक्योरिटी है जॉब की। तो हम डिमांड करते हैं हरियाणा सरकार से कि हमें भी एनएचएम में शामिल किया जाए, वही बायलॉज लागू किए जाएं, और ताकि हमारा भविष्य या हमारे बच्चों का भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। और हम इस धरने पे कुछ मांगे लेकर बैठे हैं कि हमें एनएचएम के अंदर लागू किया जाए, एनएचएम के जो भी बायलाज हैं वो हमें दे दिए जाए, हरियाणा सरकार हमें कुछ अच्छी सैलरी दे दे, और साथ के साथ जो हमारे 2018 से फाइल पेंडिंग है जिसके अंदर हमारे कुछ कार्य चल रहे थे वो रोक दी गई है, उसको दोबारा से चालू कर दिया जाए और हमें सरकार कुछ अच्छा तोहफे के रूप में एक सैलरी हरियाणा सरकार। आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। यूनियन नेता सरोज ने बताया कि सरकार द्वारा अनेक बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी उनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला व बच्चों और चुनाव से संबंधित अनेक कार्यों को उन्हें सौंप दिया जाता है, लेकिन उनकी मांगों की तरफ सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वे कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें सरकार के द्वारा आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। लघु सचिवालय के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भवानीखेड़ा ब्लॉक प्रधान मुन्नी देवी ने बताया कि कमेटी द्वारा प्रदेश भर में एक दिन का प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरानी मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सरकार हमें कार्य के लिए एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भी भेज देती है तथा किसी भी समय किसी भी कार्य के लिए फ़ोन पर बता दिया जाता है और एकदम से कार्य का प्रेशर बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2018 में किए गए वादे भी सरकार द्वारा भुलाए जा रहे हैं तथा हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि हमें पक्के कर्मचारियों का दर्जा दे। हमारा मेन मुद्दा तो यही है, हमारे को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक जगह कहीं भी कुछ भी होने का आंगनवाड़ी वर्कर आ जाओ बुला के, आंगनवाड़ी हो गई सर। हमारा मेन मुद्दा ही हमारे को सरकारी कर्मचारी घोषित करो, मेन लड़ाई हमारी यही है। कोई घोषणा नहीं गई अभी तक हमारे पास कोई सूचना, हमारे को रोड पे बैठने का कोई शौक नहीं है, अपने घर का काम छोड़ के आए हुए हैं,
हजार काम है, हमारे स्कूल बंद करके आए आज का, मैंने सामूहिक अवकाश ले रखा है, हमारा ये कोई शौक नहीं है चार दीवारी से बाहर सड़कों पे घूमने का, हमारे को भी ये अपने स्कूलों के अंदर बैठे अपना घर का कार्य करें। और आज हमारी मांग यही है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें, पक्का कर्मचारी करें, नहीं तो हम ये हरियाणा सरकार में हम फूल खिलने नहीं देंगे, जो एक रीढ़ की हड्डी है हम जी, हम हर घर तक हमारे चूल्हे तक की दौड़ है, हम 25,962 आंगनबाड़ी वर्कर हैं और हर हमारे कितने रिश्तेदार हैं, अगर हमें फूल खिलाएंगे तब हमारे पक्के कर्मचारी करेंगे तब, नहीं तो हम फूल को खिलने नहीं देंगे, हमारी इतनी ताकत है जी, हमें हर घर में चूल्हे तक की दौड़ है जी, और हमें पक्का कर्मचारी, हमारी एक ही मांग है जी, पक्का कर्मचारी घोषित करो। सभी महाविद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया समाप्त होने के बाद महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कक्षा शुरू करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य त्रिलोक चंद ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रत्येक कक्षा के पीरियड का समय 45 मिनट से बढ़ाकर 60 मिनट कर दिया गया है। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य त्रिलोक चंद ने बताया कि नगर के सभी महाविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी है। कक्षाओं का समय अब 1 घंटा प्रति कक्षा कर दिया गया है। कक्षा समय की वृद्धि से छात्रों में ज्ञान की वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों की सभी कक्षाएं अब 1 घंटे की होंगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को अनेक व्यावसायिक कोर्सेज करने का भी मौका दिया गया है। छात्र अपने कोर्सेज के अलावा अन्य कोर्स के विषय को भी पढ़ सकते हैं। मैं त्रिलोकचंद प्राचार्य, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। जैसा कि आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सभी विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में रेगुलर कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, जो कि सभी कक्षाएं प्रथम वर्ष की नई शिक्षा नीति के अनुसार आयोजित करवाई जा रही हैं, जिसमें एक अहम बिंदु ये निकल कर सामने आया है कि जो हम एक पीरियड लगाते थे, पीरियड की अवधि 45 मिनट से बढ़कर 1 घंटे की हो गई है, जिसमें विद्यार्थियों को हम ज़्यादा विस्तृत रूप से अपनी जानकारी दे पाएंगे, अध्यापन कार्य करवा पाएंगे। जैसा कि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर पहले 45 मिनट का पीरियड चल रहा था, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर CBCS पहले से ही लागू कर दी गई है, इसलिए हमने तीनों कक्षाओं के अंदर समायोजन करने के लिए, एक नीति बनाए रखने के लिए तीनों कक्षाओं के अंदर 1-1 घंटे के पीरियड लगाए हैं, ताकि पूरे महाविद्यालय के अंदर एक रूपता लाई जा सके। और इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू करवाई जा रही है, की जा रही है, इसमें विद्यार्थियों को एक कम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रदान करने के लिए इस शिक्षा नीति के अंदर समावेश किया गया है, जिसमें कि विद्यार्थी मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स पढ़ रहे हैं, AEC एबिलिटी एनहांसमेंट के कोर्सेज पढ़ रहे हैं, वैल्यू एडिट कोर्स पढ़ रहे हैं और मेजर माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को एक अपने मेन इंटरेस्ट के विषय के साथ साथ अन्य विषयों की भी जानकारी प्राप्त होने जा रही है। जीतूवाला जोहड़ फाटक पर बन रहे फ्लाई ओवर में देरी के चलते क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। इस बारे में जैना सिंह व कैप्टन अतर सिंह ने बताया कि वे कई बार रेलवे पुल निर्माण को लेकर अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं भाजपा नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने मौके पर पहुंचकर संबंधित विभाग SDO व JEE से विचार करके तुरंत पुल निर्माण करने को कहा। जीतूवाला जोहड़ फ्लाईओवर का कार्य लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। इसे लेकर BJP नेता ठाकुर विक्रम सिंह मौके पर ही SDO और JEE को लेकर पहुंच गए। उन्होंने धरना प्रधान जैना सिंह व कैप्टन अगर सिंह से मुलाकात की। वहीं उन्होंने रुके हुए कार्य की शुरुआत के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। तौर पर जो हमारे शाम बाग में आना पड़ता है, जब कोई मृत्यु होती है, देहावसान होता है, तो उस समय भी थोड़ा पानी में उसमें दिक्कत होती थी, और अब भी बरसात अभी भिवानी में तो लेट हो गई है, अभी पानी भर जाता है, उसके पहले से ही हम लग गए हैं कि बरसात आए तो कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो उसको संभाल लें। आज हमने JCB भी यहाँ पर बुलाई हुई है ठेकेदार से कहकर, और SDO साहब ने भी 2-3 चक्कर लगा रहे हैं, और आशीष JEE हैं वो भी विशेष तौर पर आए हैं, और रघुवीर रंगा जी एक्सीडेंट साहब का भी
बहुत बहुत ही इसमें पूरा सहयोग है, उनके सहयोग की बदौलत ही यहाँ पर काम चालू हुआ है। जुलाई महीने के अंतिम दिन भारी बारिश होने से भिवानी वासियों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बरसात के बाद अनेक क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद जलभराव की स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि बीती रात की बरसात से किसानों को अत्यंत लाभ होगा और वे अपने खेतों में बिजाई कर सकेंगे। दो दिन से हो रही बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है, वहीं तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले 3 महीने से भयंकर गर्मी से परेशान हो रहे थे, शहर में हुई बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि पिछले कई महीनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज अच्छी बारिश हुई है। बताया कि पिछले 15-20 सालों पहले शिवरात्रि व श्रावण मास में अच्छी बारिश देखने को मिलती थी, लेकिन बिगड़ते जलवायु से व प्रदूषित वातावरण से बारिश की समस्या देखने को मिल रही है। बारिश तो इतनी गर्मी हो रही है, पिछले 3 महीनों से भयंकर गर्मी है। हर जन नागरिक राम की तरफ दुआ प्रार्थना कर रहा है, कैसे भी इस गर्मी को कम करे, बारिश आए, परमात्मा रहम करे। लोगों में तराई तराई मच रही है बारिश के बगैर, गर्मी इतनी फुल हो रही है, कपड़े भी नहीं पहन सकते आदमी। तो आज कुछ थोड़ी बहुत राहत मिली है, तो परमपिता परमात्मा से करते हैं कृपा कि ये थोड़ी सी और 10-20 आंगड़ बारिश गिरे, इस गर्मी से थोड़ी राहत मिले। कोई खास बारिश नहीं हुई जी, जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। हर बार तो बहुत बारिश हुई है कई जगहों पर, यहाँ पर तो कुछ नहीं है जी, बूंदाबांदी है। जो हल्की यहाँ मध्यम गति की बारिश है, तो इससे पहले भी कोई बारिश तेज बारिश आई है? नहीं, थोड़ा नहीं, बिल्कुल ही नहीं आई जी, बिल्कुल थोड़ा है। हमारे यहाँ पर पानी हो जाता है जी, कम से कम 1 घंटा में निकलता है यहाँ पर, तो पानी अभी तक भरा ही नहीं, वो नहीं लगी थी जी, नहीं लगी। अब एक खबर चलते चलते, संसद में राहुल गांधी द्वारा जनगणना का मुद्दा उठाए जाने के बाद सदन में तो हंगामा हो ही गया था, साथ ही देश में भी जनसंख्या पर फिर से चर्चाएं आरंभ हो गई हैं। सवाल यह आता है कि जनसंख्या के आंकड़ों के बिना क्या विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा? देश में जनगणना का पुराना इतिहास है। 143 वर्ष पहले 1881 में जनगणना शुरू की गई थी, उसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना करवाई जा रही है। दुनिया में कोविड के चलते भारत सहित अधिकतर देशों में जनगणना का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब भारत में जनगणना का इंतजार है। जनसंख्या के आंकड़े और सर्वेक्षण ही सरकार की योजनाओं का आधार हैं। जनगणना से सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और अन्य सामाजिक सेवाओं की बेहतर योजना बना सकती है। कोविड जैसी महामारी के बाद जनगणना करवाना और अधिक आवश्यक हो जाता है। इस खतरनाक महामारी ने दुनिया को प्रभावित किया है। जनगणना के आंकड़ों से ही पता चल पाएगा कि गांवों, शहरों और महानगरों में खाद्य वितरण प्रणाली, आर्थिक स्वास्थ्य, वैक्सीनेशन जैसी सुविधाओं को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और बच्चों के लिए जरूरी व मूलभूत सुविधाएं किस प्रकार और बेहतर की जा सकती हैं। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, गरीब, कमजोर व अन्य जरूरतमंद वर्गों की समस्याओं को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात है, आज 2011 की जनगणना के अनुसार ही 81 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 2021 में या इसके बाद जनगणना की जाती तो लाभार्थियों का लगभग 10% आंकड़ा बढ़ना तय था। वर्तमान में प्रभावी योजनाओं की सख्त जरूरत भी है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि हर क्षेत्र को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटें बांटी जाएं। आगामी 2026 के बाद देश में जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के पास सटीक आंकड़े होंगे तो बेहतरीन योजनाएं तैयार होंगी, जिसका लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज हेडलाइंस पर। एड्स विभाग के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मांगा पक्के कर्मचारियों का दर्जा। कॉलेजेस की कक्षाओं के समय में हुआ बदलाव। बीजेपी नेता ठाकुर विक्रम सिंह पहुंचे पुल निर्माण धरने पर।
तीन महीनों से गर्मी झेल रहे लोगों को मिली बारिश से राहत। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।